हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जेवरॉनिक्स के 4.1 अल्पाइन 1 मॉडल होम थिएटर का फुल रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका बॉक्स पर प्रोवाइड किया डिटेल। यहाँ पर आपको दोस्तों ब्लूटूथ 5.0 वर्जन देखने को मिल जाता है, और दोस्तों इसमें आपको 10.16 cm का सब बुफर इसमें यूज किया गया है। और दोस्तों इसमें आपको LED डिस्प्ले मिल जाता है, और इसमें दोस्तों आपको एक डीप बेस का सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा रहता है, और देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से डिटेल्स मेंशन किया गया है। दोस्तों बॉक्स के दूसरी साइड में कुछ इस प्रकार का डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। यह दोस्तों 60 वाट इसका RMS है, और भी कई सारे इसमें आपको फंक्शन देखने को मिल जाता है। USB, microSD कार्ड, और दोस्तों FM, AUX और भी कई सारे आप इसमें डिटेल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको बाल माउंट भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है दोस्तों। और दोस्तों बॉक्स के दूसरी साइड कुछ इस प्रकार का डिटेल्स मेंशन किया गया है। यहाँ पर जेवरॉनिक्स स्पीकर लिखा हुआ है दोस्तों, इसका MRP 3999 रुपीज़ है, और हम आपको रिटेल प्राइस भी बताने वाले हैं। और दोस्तों इसका 1 साल का होम सर्विस वारंटी रहता है, कोई भी प्रॉब्लम होने पर सिंपली से आपको इस नंबर पर कॉल कर देना होता है और कंप्लेन लिखा देना होता है। चलिए दोस्तों इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसा इसका लुक है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका बॉक्स को ओपन कर लिया है, और दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए वेरी सेफली यहाँ पर पैक रहता है। चलिए दोस्तों इसको बाहर निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसा इसका लुक है। दोस्तों बॉक्स में से हमको एक इस प्रकार का रिमोट मिला है, और दोस्तों कुछ वायर वगैरह इसमें कनेक्ट करने के लिए हमको मिला है, और एक जेवरॉनिक्स का कार्ड मिल जाता है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। और दोस्तों इस प्रकार का बॉक्स में हमारा 4 स्पीकर पैक रहता है। चलिए इसको भी हम खोल लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों वेरी सेफली यहाँ पर पैक रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसको पन्नी से बाहर करते हैं और फिर आपको इसका लुक दिखाते हैं कैसा इसका लुक लग रहा है दोस्तों देखने में। देखिए दोस्तों, हमने अभी इसे पन्नी से बाहर निकाल लिया है, और दोस्तों निकालने के बाद काफ़ी खूबसूरत इसका लुक देखने में लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आगे में आपको एक USB जैक और एक SD कार्ड जैक मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको जेवरॉनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक वॉल्यूम का यहाँ पर दिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर एक मोड का ऑप्शन दिया गया है बटन, और दोस्तों यहाँ पर गाना भगाने के लिए एक बटन दिया गया है। दोस्तों साइड स्पीकर की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जेवरॉनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। चलिए इसको हम सीधा कर देते हैं, यहाँ पे उल्टा है। देखिए दोस्तों, और वो दो स्पीकर भी सेम उसी प्रकार का है। और दोस्तों इससे हमारा जो बेस स्पीकर है, इसके साइड में यहाँ पर बेस आउटपुट के लिए एक आउटपुट यहाँ पर मिल जाता है, और दोस्तों इसका जो वूफर का है वो यहाँ पर साइड में दे दिया है। दोस्तों यह बहुत ही छोटा सा है और कंफर्टेबल है दोस्तों, आप इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों पीछे की साइड में आपको एक मेन प्लगइन मिल जाता है, और दोस्तों एक FM वायर मिल जाता है। और दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए, चारों स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर 4 अलग अलग जैक मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप TV से कनेक्ट करने के लिए इसमें आप दोनों में पिन लगाना पड़ता है। और दोस्तों नीचे में आपको एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। चलिए दोस्तों इसको फिटिंग करते हैं और फिर आपको इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करवाते हैं कैसा इसका साउंड क्वालिटी है। तो चलिए दोस्तों इसमें पावर देते हैं, हमने अभी इसी बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों अभी यह ऑन हो चुका है, सिंपली से हमको इसे ब्लूटूथ मोड में करना होगा, फिर अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों यह ब्लूटूथ मोड में हो चुका है। चलिए हम अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जेवरॉनिक्स अल्पाइन आ गया है, सिंपली से हम इसको पेयर कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों यह पेयर हो चुका है। चलिए हम अपने इसको साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अभी इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लिया। दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त इसका साउंड क्वालिटी है और दोस्तों इसका जो बेस का क्वालिटी है वो भी काफ़ी सुपर डुपर क्वालिटी है। और दोस्तों इसमें आपको डॉल्बी साउंड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली से आप इसे टीवी वगैरह में कनेक्ट करने के लिए बेस्ट होम थिएटर है। दोस्तों अगर आपको भी एक छोटा सा होम थिएटर चाहिए, मिनी सा, जो कि कहीं पर भी मतलब एडजस्ट हो जाए और आपको अपने टीवी में आवाज़ कम लग रहा है, तो इस होम थिएटर को आप ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। दोस्तों बात करें दोस्तों इसकी प्राइस की, तो आपको दोस्तों 3,000 रुपीज में रिटेलर शॉप पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अलग अलग शॉप पर आपको अलग अलग प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।